Hey everyone, so welcome to my channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो आज हम बनाने वाले हैं मकरम वॉल हैंगिंग, वो भी बिना किसी मकरम थ्रेड के. हम बनाएंगे उसे न्यूज़पेपर से. तो आपको ये मकरम वॉल हैंगिंग बहुत ही ईजिली फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब भी पे मिल जाएंगे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में. बट खुद के हाथ की बनाई चीज़ों की बात ही कुछ और होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है केक का ये डब्बा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है तो हमें हैंग करने में इजी होगा. और इस पर मैं इस तरह का लीफ शेप ड्रॉ कर ली हूँ और कट कर लूँगी. तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे शेप कट कर लिए हैं. अब हमें लेनी है न्यूज़पेपर और उसे कुछ इस तरह से रोल कर लेना है और एंड में ग्लू लगा कर इन्हें फिक्स कर देना है. और ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे बना लिए हैं ऐसे. अब हमें ये लीफ शेप कटिंग लेनी है और इस पर मैं मिडल में ग्लू लगाकर एक पेपर रोल पेस्ट कर लूँगी. इसके बाद इनके दोनों ही साइड हमें ग्लू लगाकर इन पेपर रोल्स को पेस्ट करनी है. मैंने इन्हें पहले ही कट कर लिया है. तो इसी तरह से हम दोनों ही तरफ इसके पेपर रोल के छोटे छोटे पीसेस पेस्ट कर लेंगे. और बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के भी लिप्स कटिंग जो मैंने बनाए हैं उन पर भी पेपर रोल्स को इसी तरह से पेस्ट कर लेनी है. सॉरी मैं इन सारे ही लिप्स को पेस्ट करते हुए या पेंट करते हुए नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैं दिखाने लगी तो फिर तो बहुत ही दिन लग जाएंगे. और इन्हें कट करने में तो पूछो ही मत क्या हुआ. मुझे ऐसा लग रहा है अब तक का ये सबसे टफेस्ट DIY है मेरा और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी. तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये DIY अच्छा लगे, क्योंकि मैंने इसमें मेरा खून और पसीना भी लगाया है. क्योंकि गर्मी तो थी ही, साथ में इसे कट करने में मेरे हाथ में छाले भी आए हैं. तो हमारा ये पेपर रोल पेस्ट करना कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम इनकी साइड्स में जो एक्स्ट्राज हैं उन्हें कट कर लेंगे. इन्हें कट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए अगर आप इसे ट्राई करें तो बेटर आप कोई और शेप लाइक जो इजी हो वो ही सेलेक्ट करें, ताकि आपको कट करने में भी इजी हो और हाथ में दर्द या फोड़े भी ना हो. मुझे इसे कट करने में पूरे 2 दिन लग गए. मैंने इसी तरह से सारे ही लिप्स को शेप दे दिया है. तो अब हम उन्हें पेंट करते हैं. तो सबसे पहले मैं इन पे बेस के लिए वाइट पेंट का एक एक कोट डालूंगी. आप चाहे तो जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा पेंट ले, उसमें थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस डाले और थोड़ा सा पानी मिक्स कर ले, आपका जेसो तैयार हो जाएगा. तो इसी तरह से मैंने सारे ही लिप्स को एक बार वाइट पेंट से पेंट कर लिया है. अब आप इन लिप्स को जिन भी कलर से चाहे पेंट कर सकते हैं. मैं थोड़ी डार्क लाइट कलर सब मिक्स कर पेंट कर रही हूँ. तो इसी तरह से अलग अलग कलर से मैंने सारे लिप्स को पेंट कर लिया है. अब हमें चाहिए एक पेड़ की डाल. मुझे मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे एक वुडन प्लैंक लिया और इसे इस तरह से पेंट कर लूँगी. आपको अगर मिल जाता है तो आप पेड़ की डाल भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. और मैं यहाँ पे इन सारे ही लिप शेप्स को डालकर चेक कर ले रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है. और इन सबको मैं वाइट कलर के 3x3 से हैंग कर लूँगी. तो इस तरह से मैं इन्हें नॉट बना करके हैंग करूँगी. सारी ही लिप्स की हाइट के अनुसार हमें थ्रेड इसी तरह से नॉट बनाकर लगा लेनी है. अब हमें इन थ्रेड के इंस पे ग्लू गन से इन सारे ही लिप्स को हैंग कर लेना है. और इनके बैक में मैं कुछ सपोर्ट के लिए, ताकि ये निकले ना, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लगा रही हूँ. तो इसी तरह से मैं बाकी के लिप्स को भी हैंग कर लूँगी. तो हमारा ये मकरम वॉल हैंगिंग ऑलमोस्ट रेडी है. अब आप इस वुडन प्लैंक के दोनों ही साइड से जूट रोप या फिर सेम वाइट थ्रेड या मकरम थ्रेड डालकर हैंग कर लें. हैंग करने के बाद काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इनमें कुछ टेसल्स ऐड कर देते हैं. तो चलिए लगा देते हैं इन्हें भी. आप चाहे तो टेसल्स स्किप भी कर सकते हैं, पर टेसल्स लगाने के बाद ये और भी अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा दिए. आप जितनी मर्जी उतनी इसमें हैंग कर सकते हैं, जितना घना होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो आप जितनी इच्छा हो लगा दें. मैं इनके बाद इनमें कुछ सिंपल थ्रेड्स ऐसे भी हैंग कर रही नॉर्मल विदाउट एनी टेसल्स.
हमारा ये बोहो होम डेकोर रेडी हो चुका है। अब आप इसे चाहे तो अपने बेडरूम में बेड के पीछे, या फिर ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे, या बालकनी में जहाँ आपका सिटिंग एरिया हो वहाँ लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगेगा। माई वीडियो, आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।